और कौन से नशे में है, मैं तो पूछता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं तो पूछता हूँ कि कौन से नशे में खातेगांव के मतदाता है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात चुभ रही है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक सर्वनाक बयान दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लाखों मतदाता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने भी इस बयान को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक सभा के दौरान खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं को बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनने के लिए लेकर कहा कि यहां के मतदाता क्या नशेड़ी हैं, नशे में रहते हैं, 25 सालों से भाजपा को जिता रहे हैं। इन शब्दों को लेकर अब मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। सभा के दौरान विदिशा जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किस तरह का बयान दिया है, जिसके बाद खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बुरी तरह कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है आज पूरे खातेगांव का, मुझे तो ताज्जुब है। मैं भी 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मुझे ताज्जुब होता है यहाँ पर कि 25 साल का ये उपेक्षित इतिहास और कौन से नशे में है, मैं तो पूछता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं तो पूछता हूँ कि कौन से नशे में खातेगांव के मतदाता है कि उनको दिखता नहीं है कि कितना उपेक्षित है। ये मैं प्रश्न अपने आप से पूछता हूँ कि कोई भी क्षेत्र है, मुझे चिंता होती है जब मैं नौजवानों की तरफ देखता हूँ। आज हमारा बेरोजगार नौजवान जो हमारे दिमाग का, मैं ऐसा मानता हूं मतदाता जब किसी को जिताता है, किसी विचारधारा का समर्थन करता है, तो उस पर उस विचारधारा का ही नशा सर्वोपरि होता है। हमने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास के अनेकों काम किए हैं। पिछले 25 वर्षों से लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इसलिए जनता केवल विकास चाहती है। विकास हमने दिया है और विकास का जादू निश्चित ही सिर चढ़कर बोलता है। इस विकास की बदौलत ही खातेगांव की जनता हमें बार बार चुनती आई है। लेकिन कमलनाथ जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, वे यदि मतदाताओं को नशेड़ी बताते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि चुनाव से पहले उनकी बुद्धि खराब हो चली है। उनको दिन में सपने आ रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं। सपने देखने से मुख्यमंत्री नहीं बना जा सकता जब तक कि मध्य प्रदेश की जनता के सपने में आप नहीं आओ। मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की सरकार को पसंद करती है और इसलिए बार बार मध्य प्रदेश में और इस खातेगांव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता है। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।